आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ सिर्फ बिग एफएम पर। ओम त्रयंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धिनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम श्री गणेश के आगमन का चौथा दिवस है और इस चौथे दिवस की मैं आपको देती हूँ बधाइयाँ। जी बधाइयाँ। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आज आपको बताऊंगी अष्ट विनायकों में से श्री सिद्धि विनायक की कहानी। वैसे सिद्धि विनायक जो आम भाषा में कहा जाता है वो ये कि राइट साइड में जिनकी सूंड होती है और वो बहुत ज़्यादा कड़क रूप में पूजा की जाती है वो सिद्धि विनायक के रूप में माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सिद्धि विनायक का अर्थ क्या बताया गया है वो मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगी इसी कार्यक्रम में। बात करेंगे हम श्री सिद्धि विनायक मंदिर की। तब तक बने रहना है मेरे साथ इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सहर। गुड मॉर्निंग एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग। आज 28/8/2017 सोमवार है। आज चंद्र तुला राशि में दोपहर 1:20 तक, उसके बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। नक्षत्र है विशाखा, रात्रि 8:08 तक, उसके बाद अनुराधा नक्षत्र होगा। आज के मुहूर्त सुबह 6:26 से लेकर सुबह 8 तक अमृत, सुबह 9:33 से लेकर सुबह 11:06 तक है शुभ, 3:46 से लेकर शाम 5:20 तक है लाभ, और शाम 5:20 से लेकर शाम 6:53 तक है अमृत। बात कर रहे थे हम अष्ट विनायकों की और हम चर्चा करते आ रहे हैं श्री गणेश के अष्ट विनायक रूपों की, जिनमें से दूसरा रूप है श्री सिद्धि विनायक मंदिर में। ये सिद्धि विनायक मंदिर पूना से करीब 200 किलोमीटर दूरी पर है। समीप ही भीम नदी है। ये क्षेत्र सिद्धटेक गांव के अंतर्गत आता है। ये पूना के सबसे पुराने मंदिरों में से एक मंदिर है। मंदिर करीब 200 साल पुराना है। तो 200 साल पुराने मंदिर की कोई ना कोई कथा, कोई ना कोई मान्यता तो जरूर होगी, जरूर जानेंगे हम। फिलहाल हम जानेंगे मेष से लेकर कन्या राशि तक का राशि भविष्य। गुड मॉर्निंग सहर कार्यक्रम में मैं कामिनी खन्ना आप सबको इन गणेश जी के 10 दिनों की बधाइयां देते हुए, बधाइयां जी बधाइयां। आइए बताती हूँ मेष से लेकर कन्या राशि तक का राशि भविष्य। मेष राशि। मेष राशि के लिए चंद्रमा तुला में है, सन्मुख आकर वो संपूर्ण रूप से देखता है और आपके जो अष्टम में शनि बैठे हैं वो अब रिलैक्स होकर आगे खसकने गए हैं, तो सारी परेशानियां अब दूर होने वाली हैं। वैसे भी राहु ने जो उत्पात मचाया हुआ है उससे भी आपको निजात मिलेगी और पैसे भी मिलेंगे। वृषभ राशि। बहुत सह लिया आपने अपनी तबीयत को लेकर, अपने माइंड को लेकर, वो अब 12 सितंबर के बाद आपको निजात मिलेगी जब गुरु बदलेंगे। फिलहाल तो जो आपके परिवार में खुशी छाई हुई है और आप सबको खुशी दे रहे हैं, पैसा ला रहे हैं, उसको एंजॉय कीजिए और अपने मन को ठीक करने के लिए श्री कृष्ण की आराधना कीजिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए अब आपके लग्न में बैठा शुक्र आपको काफ़ी देर से आपकी हिम्मत बनाए हुए, बहुत थक गए हैं आप, लेकिन काम कर करके लोग समझते नहीं कि आपकी थकावट में आराम की भी ज़रूरत है। आप आराम खुद ही कीजिए, लोगों का इंतज़ार न कीजिए और अपने मातहत हेल्पर से जो परेशान है उससे निजात अब आपको मिलेगी थोड़े ही दिनों में। कर्क राशि। कर्क राशि के लिए लग्न में बैठा मंगल आपको उदास बनाता है और अभी फिलहाल जो शुक्र द्वादश में बैठा है तो आपके प्रेम संबंध अच्छे हो सकते हैं, आपका पराक्रम खुल सकता है अभी थोड़े दिनों में और माइंड भी शांत हो जाएगा। सिंह राशि। सिंह राशि के लिए लग्न में बैठा सूर्य काफी आपको कहते हैं उत्साही बना के रखे हुए है बुधादित्य योग, और आपके सन्मुख पत्नी पार्टनर स्पाउस उनसे भी थोड़ी रिलीफ दिलवाता है आपको। आपके परिवार में जो अशांति बनी हुई थी वो हटती है, पैसे लगातार आ रहे हैं। कन्या राशि। कन्या राशि के लिए आपके कार्य अच्छे हो रहे हैं, आपके प्रेम संबंधों में काफी सुधार है, आपके विदेश से रिलेटेड यात्राएं अच्छी होंगी, अगर कोई वीजा वगैरह लगाना है, सरकारी दरबारी काम है तो बना लीजिए। सिद्धि विनायक मंदिर की बात कर रहे थे हम के पूना से 200 किलोमीटर दूरी पर है और ये बहुत ही 200 साल पुराना मंदिर है। सिद्ध टेक में सिद्ध विनायक मंदिर बहुत ही सिद्ध स्थान माना जाता है। ऐसा माना जाता है यहाँ भगवान विष्णु ने सिद्धियाँ
हासिल की थी। सिद्धिविनायक मंदिर एक पहाड़ की चोटी पर बना हुआ है जिसका मुख्य द्वार उत्तर दिशा की ओर है। मैं कामिनी खन्ना ले चली आपको सिद्धिविनायक की सैर कराने के लिए। वैसे महाराष्ट्र में भी सिद्धिविनायक है और बहुत मान्यता है इनकी, जो मांगो सो देते हैं भगवान, और भक्त जन लंबी लंबी कतारें लगाकर दर्शन के लिए खड़े रहते हैं। सैर कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ और आपको तुला से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य बताती हूँ। तुला राशि। तुला राशि के लिए अब चंद्रमा लग्न में बनकर आपकी पर्सनालिटी को उजागर करते हैं। आपके सन्मुख देखते हैं पत्नी पार्टनर स्पाउस के स्थान को और काफी कूल होते हैं वो। और ये जो माइंड पे केतु बन रहा है ये हट रहे हैं। अभी काफी भारत वर्ष में ऐसा माना गया कि केतु और राहु 17 तारीख को हट गए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनका प्रभाव अभी बाकी है। बुधादित्य योग भी बना है पैसे के स्थान पर, तो पैसा आ रहा है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए बुधादित्य योग आपके दशम स्थान पे, तो पैसा बना रहे हैं आप काम के जरिए और काम आपका बढ़ रहा है। हालांकि भाग्य में रुकावटें थोड़ी बहुत हैं अभी और लग्न में बैठा शनि आपको थोड़ा सा बेचैन तो करता है। धनु राशि। धनु राशि के लिए नीच का मंगल आपके अष्टम में बैठकर आपको काम एकदम धड़ल्ले से नहीं दिलवाता और जिससे आपका माइंड है थोड़ा सा बेचैन, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। आपको इस स्थिति से बाहर निकलना है। अभी फिलहाल जो परिवार पे केतु आएगा तो परिवार से भी बना के रखनी है। मकर राशि। लग्न में आएंगे केतु और ये केतु आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। मंगल सा व्यवहार करेंगे तो आप अपने घर परिवार के लिए थोड़ा सा परेशान होंगे और पैसों को लेकर, तो स्थिति से निजात पाने के लिए आपको क्या करना है, आपको करनी है श्री महाकाल की आराधना। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए आप लग्न से केतु हटकर द्वादश में जाएंगे तो काफी रिलैक्स हो जाएंगे आप, और ये जो स्थिति सन्मुख बनी हुई है पत्नी पार्टनर स्पाउस स्ट्रांग हो रहे हैं आपके और अच्छा है। आपके काम अगर आप नहीं बना सकते तो वो बनाएंगे, तो उनका सहारा लीजिए। मीन राशि। मीन राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी तो स्वस्थ है लेकिन थोड़ी दिनों में सरकेगा आगे, तब आपको काफी सहारा लेना पड़ेगा अपने गुरु के वचनों का, और साथ ही में जो माइंड गलत चल रहा है उससे बाहर निकलिए। आपके विरोधी बहुत प्रभावी हो रहे हैं, नहीं तो वो आप पर विजय प्राप्त करेंगे। सिद्धिविनायक मंदिर के विषय में हम जान रहे थे जो पूना से 200 किलोमीटर दूर है, और कहा जाता है कि इस मंदिर में विष्णु भगवान ने सिद्धियां हासिल की थी। ये मंदिर जो एक पहाड़ की चोटी पर बना हुआ है और मंदिर की परिक्रमा के लिए पहाड़ी की यात्रा करनी होती है, बहुत बिकट है ये। यहाँ गणेश जी की मूर्ति 3 फीट ऊंची और 2.5 फीट चौड़ी है। मूर्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर है और भगवान गणेश की सूंड सीधे हाथ की ओर है। ओहो, तब तो बड़े ही कड़क, और कहते हैं ना कि ऐसी पूजा करने के लिए जो विधिवत हो और बिल्कुल भी गलती ना हो, गणेश जी चाहते हैं। तो इस मंदिर में आप जरूर जाइएगा कभी और दर्शन कीजिएगा। मैं कामिनी खन्ना सैर कार्यक्रम में आपको बता रही थी विनायकों में से दूसरे विनायक सिद्धि विनायक की कहानी। यही सिद्धि विनायक मंदिर जगह जगह स्थित होते हैं। जब गणेश जी की मूर्ति की सूंड जो राइट साइड में होती है वहाँ सिद्धि विनायक माने जाते हैं, और जो स्वयंभू होते हैं, मतलब के स्वयंभू मतलब खुद ही उत्पन्न होते हैं, वो भी सिद्धि विनायक जो राइट सूंड वाले होते हैं वो माने जाते हैं। और ऐसे स्वयंभू श्री गणेश आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। फिर मिलूंगी इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सहर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। आशीर्वाद प्रार्थी में आपकी हमेशा रहती हूँ। और सोमवार है आज, तो शीश गंगा है जिनकी, और अर्धांगिनी पार्वती माँ है, उन महादेव की आरती करते हैं और अपने दिन को अति उत्तम बनाते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। वो वाला पैर बाहर निकालिए जो सांस चल रही है ताकि आपके काम बने।